अभी आप युवा हैं बिल्कुल, और आपके मन में ये जैन समाज की दीक्षा लेने साधु बनने का विचार क्यों आया? जैन शासन के अंदर दीक्षा लेने का सर्वप्रथम भाव के जैन साधु युवा अवस्था में अगर हम बनते हैं तो हमारी युवा अवस्था के अंदर इंद्रियां सतेज रहती है। जैन साधु अधिकतम तपस्या करते हैं, ज्ञानार्जन करते हैं, और उन सभी के लिए अच्छी प्रज्ञा चाहिए अच्छी युवा अवस्था के अंदर होती है। इसीलिए अगर दी बेस्ट अगर कोई समय हो तो वह युवा अवस्था है, और हमारे शास्त्रों तो कहते हैं कि 8 वर्ष की उम्र के अंदर भी दीक्षा ले सकते हैं। मुझे क्या लगता है कि आपका माइंड वॉश कर दिया किसी साधु महात्मा ने? नहीं, किसी ने। मेरे अंडर में आके तपस्या करो? नहीं, किसी ने नहीं किया, क्योंकि मैं करीबन 10-12 साल की उम्र से स्टडी कर रहा हूँ और बहुत हार्ड कोर स्टडी की है, और बकायदा मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने जैनिज्म के ऊपर भी फिलोसॉफी की स्टडी की है, और उसके बाद मैंने हायर स्टडीज की है, बाकी भी रिलीजन की स्टडी की हुई है। क्या क्या डिग्री क्या ली आपने? मैंने बीकॉम किया, बीकॉम के बाद मैंने जैनिज्म की स्टडी की वहाँ पर, और उसके बाद मैंने हायर स्टडीज संस्कृत और प्राकृत ऐसी एक पाठशाला है वहाँ से की हुई है। अच्छा जी, तो आपको उद्देश्य क्या है, क्या करना चाहते हैं आप साधु बन के? दीक्षा लेकर साधु बन के मेरा मुख्यतः लक्ष्य स्व की ओर आए। साधु बनते हैं तो उसका जीवन गुरु के चरणों में समर्पित होता है। गुरु उसमें जो योग्यता और पात्रता देते हैं उस हिसाब से उसको आगे बढ़ाते हैं। अगर उसमें कोई ज्ञान की शक्ति है तो उसको ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, अगर वो अच्छी तपस्या कर सके उसको तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ाते हैं, जैसी उसमें योग्यता लायकात होती है वैसा उसको वो आगे बढ़ाते हैं। आप दिगंबर क्यों नहीं बन रहे, सितंबर क्यों बन रहे? क्योंकि मेरा जन्म श्वेतांबर में ही हुआ है और इसी परंपरा के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, तो इसके लिए मेरी आस्था। अब ये जैन समाज बहुत सारे फिरके, बहुत सारे वो चीज़ें हैं, तो श्वेतांबर भी, श्वेतांबर भी तमाम चीज़ें हैं, तो वो कैसे दूर हो सकता है, कैसे एक सब एक कैसे हो सकते हैं? इसके अंदर तो हमारे प्रभु का सिद्धांत है, अनेकांतवाद त्यागवाद का सिद्धांत है। सभी के नजरिए अलग, देखने के नजरिए सबके अलग अलग हो सकते हैं, वस्तु वही की वही होती है, तो अलग 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 अपेक्षा से सब देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई सब अपनी जगह पर सही है। अच्छा, जी आप यहाँ रहे, दुबई रहे, वहाँ का वातावरण अलग तरह का, दुबई का पूरा फौना शाना शौकत है, वहाँ भोग विलास बहुत ज़्यादा है दुबई में, सब मुझे पता है। आपके मन में कोई विचार आया इस तरह का? देखिए, हम जब किसी वस्तु की हाइट तक पहुंच जाते हैं ना, यानी कि पेट भर के खाना खा लेते हैं, बताए खाने खाने हैं, तो मैं भी वो भोग विलास की दुनिया देख कर, क्या मैंने कुछ भुगता हुआ नहीं है, लेकिन वहाँ की दुनिया को मैंने देखा हुआ है, और वहाँ देखने के बाद अनुभव भी किया कि जो व्यक्ति सच्चा सुखी होना चाहिए वह सुखी नहीं होते, क्योंकि वहाँ का सुख जो है वो पदार्थों का सुख है, मान लो BMW में है, ऑडी में है, रोल्स रॉयस में है, हम इसमें सुख मानते हैं, लेकिन सुख होता नहीं है, उससे जब भी नया वर्षन आता है तो वापस पुराने वाला हमारे दुख का कारण बनता है। तो संसार के सारे पदार्थ कहना चाहूँगा वो हमें सुख कारण लगते हैं, लेकिन वो सुख नहीं, वो दुख का ही कारण बनते हैं। मुझे अभी बातचीत से लगा कि आप आचार्य रजनीश को मानते हैं, उन्होंने कहा था कि सब कुछ भोग लो फिर। जी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह सकता, अगर सब भोग लो तो फिर पूरा आयुष्य ही ऐसे निकल जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि सब कुछ भोग लो, नहीं मैं ये आप जैसे लोग अच्छे विचारों के लोग अगर गृह जीवन में आएंगे, अच्छी संतति आएगी उनकी, तो देश का अधिक विकास होने लगता क्या? नहीं, एक संत जो समाज को और देश को बदल सकता है वैसा शायद एक समाज वाला व्यक्ति है, लेकिन संसार में रहा और नहीं बदल सकता है। एक विवेकानंद हुए और उस विवेकानंद ने उस भारतवर्ष की प्रतिष्ठा को और आर्यावर्त को पूरी दुनिया के नक्शे पर बदल दिया। तो अगर एक सिद्धांतों के ऊपर चलता है और भगवान की आज्ञा का पालन करता है तो शायद पूरे के पूरे राष्ट्र का और पूरे आर्यावर्त का नाम रोशन कर सकता है। जैन धर्म में तीर्थंकर बनने के लिए गृहस्थ होना आवश्यक है, ऐसा लगता है मुझे। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, जो दो तीन जगह जाने तक तीर्थंकर बनेगा। इसमें ऐसा होता है कि सभी के कर्मों के अधीन होता है, उन तीर्थंकर परमात्माओं के वैसे कर्म होते हैं उसके अधीन इत्यादि करते हैं, और बाद में वह सांसारिक कार्य पूर्ण करके वह क्षत्रिय होते हुए राजवी कार्य पूर्ण करते हुए वो संसार त्याग करके तीर्थंकर। आपके घर वाले राजी हैं आपको दीक्षा देने के लिए? बहुत राजी है सहर्ष। हाँ। और शिवपुरी के अंदर मेरा संपूर्ण पूरा परिवार, माता पिता भाई भाभी सारे के सारे आए थे। हाँ। और पूरे के पूरे मीडिया और सबके सामने सहर्ष खुशी के साथ उन्होंने मुहूर्त अपने हाथों से ग्रहण किया है। अच्छा, हाँ जी। तो 30 मई को आप? मैं दीक्षा लेने वाला हूँ, जैन संत बनने वाला हूँ। बहुत बधाई आपको, हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।